डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ कलर स्पेक्ट्रा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शंकर। पेपर कोलाज स्टाइल ऑफ पेंटिंग से आगे बढ़ते हुए अब हम आपको मिलवाते हैं वेस्ट बंगाल के देवा ज्योति रॉय से, जिनका स्टाइल ऑफ पेंटिंग है एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। अगली आर्टिस्ट है नई दिल्ली की सपना शर्मा, जिनका स्टाइल ऑफ पेंटिंग है मिक्स मीडिया एंड सरियलिस्टिक स्टाइल। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सपना शर्मा, एन आर्ट एजुकेटर एंड फ्रीलांस आर्टिस्ट। I have done my master's from Delhi College of Art in 2012. This is my work done during lockdown days, titled Stay at Home. I used waste material which are available at home in this work, like stone, old jeans, old thread, dry flowers, jute cloth. And at last I covered this with the epoxy resin. I hope you like my work. There is a upcoming show, online exhibition, curated by Mrs. Amrita Prakash,
प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड आई होप यू लाइक दिस यू विल लाइक दिस अपकमिंग शो. थैंक यू. आई गेस सारी ही फीमेल्स को डायमंड्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं. कहते हैं ना डायमंड्स इज अ वुमन्स बेस्ट फ्रेंड. इसलिए दोस्तों अगले आर्टिस्ट जिनसे मैं मिलवाने वाली हूँ वो डायमंड स्ट्रोक पेंटिंग्स करते हैं. ये हैं बैंगलोर के शिवा हादिमानी. नमस्कार, मैं शिवा हादिमानी कर्नाटक का आर्टिस्ट हूँ. मेरा स्टाइल का नाम है डायमंड स्ट्रोक पेंटिंग. एक बुद्धि का स्टाइल है. और अगले आर्टिस्ट जिनसे हम आपको मिलवाएंगे वो है महाराष्ट्र के विक्रांत प्रदीप करियाकारते. इनका स्टाइल ऑफ पेंटिंग है क्रिएटिव पेंटिंग्स. नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत करियाकारते. Watercolor paintings. Hi, I'm Shweta Gar. I have created painting known as Dancing Ganesh. ये तेंजोर वर्क है और इसमें मैंने प्योर गोल्ड लीक यूज किया है. इसमें डांसिंग गणेश के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि हर किसी की लाइफ में पैशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी लाइफ में पैशन होता है तो वो जब वो उस काम को करता है तो उसके माइंड को इतना रिलैक्स मिलता है, वो और बाकी चीजें भूल जाता है, उस चीज में पूरा इन्वॉल्व हो जाता है. वही चीज इस डांसिंग गणेश में ही दिख रहा है कि किस तरह से वो आसपास की दुनिया को भूल के अपने डांस में पूरा इन्वॉल्व हो गए हैं. और यही पेंटिंग मेरे लिए इंस्पिरेशन है. क्रिएटिव पेंटिंग नेम विंग्स ऑफ एस्पर. इस पेंटिंग में जो पीक ऑफ फैदर है दिस इज अ सिंबल ऑफ गॉड, ये अर्थ. और इसमें जो 24 फोर्स है उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं जो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ को डिपिक्ट कर रहे हैं. और अपने टाइप में जो 24 आर्स हैं उनको मैंने इसके थ्रू दिखाया है कि ये एक तरह से टाइम जोन है, ये गैलेक्सी है, ये सन है, उसकी रेज है जो डिपिक्ट कर रहे हैं रे ऑफ होप. जो आउटर सर्कमफ्रेंस है उसमें मैंने बर्ड्स दिखाए हैं, बर्ड्स को रिप्रेजेंट किया है क्रिएचर्स ऑफ गॉड. इसमें मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि अपनी लाइफ में कितने भी प्रकाश फॉर होल्डिंग सच एन एग्जीबिशन is online and it will be helpful to the artists of Punjab. Singapore ke Divyam Raghunath hamare agle artist hai jinse hum aapko milwane wale hain aur inka style of painting hai contemporary art. Hello everyone, my name is Divyam Raghunath. I am from Patna, Bihar and I am currently doing my graduation in fine arts from LaSalle College of the Arts in Singapore. So basically I am a Singapore based artist. So without any further ado, I would like to present to you the deconstruction series
So basically, I would like to give you a little brief about it before you see the paintings. So it's about, so last year when I was in Bangalore, I was walking down the streets and I saw some really good architecturally designed buildings, and with the perfect symmetry and the perfect perspective and the perfect color combination and the theme and everything. So I took a lot of pictures of all of them, and now in 2020, when I was just enjoying my flashback in Bangalore, and then I was surfing through the photos, and then I saw those buildings, then I remember how beautiful they were. So what I did was, so this painting is this series is a culmination of how I saw it in 2019 and how I imagine it now in 2020. So I hope you guys like it, and thank you so much. मुंबई की कल्पना दवे अगली आर्टिस्ट हमारी जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, और इनका स्टाइल ऑफ पेंटिंग है इम्प्रेशनिस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना दवे। मेरे लिए आर्ट एक पैशन है, और सालों से आर्ट के लिए मैं अपना काम कर रही हूँ, और इसमें मैंने ऑयल पे, चारकोल पे, एक्रिलिक पे काफी सारा काम किया है। इसके लिए मैंने काफी सारे शोज किए हैं, जो सोलो और ग्रुप शोज मैंने काफी जगह में किए हैं, ऑल ओवर इंडिया में किए हैं, ज्यादातर मुंबई में हुए हैं। और मेरा काम अभी, मुझे एक्रिलिक पे काम करना काफी अच्छा लग रहा है, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट में, मॉडर्न आर्ट में मैं काम कर रही हूँ। ये सिचुएशन ऐसी है, इसलिए ऑनलाइन एग्जीबिशन हो रहे हैं। इसमें अमृता जी अभी ये ऑनलाइन एग्जीबिशन कर रही है, जिसका नाम है आर्ट स्पेक्ट्रा। इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, और ये मेरे गणेशा, मैंने उसके लिए मैंने गणेशा दो पेंटिंग्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट पे काम किया है, एक्रिलिक ऑन कैनवास है, लेकिन उसमें मैंने लेयर्स पे काम किया है। लेयर्स में ऐसा होता है कि एक कलर्स के एक के ऊपर एक लेयर्स, हम उस लेयर्स में काम कर रहे हैं, तो एक के ऊपर एक वो लेयर्स लगते हैं कलर्स के, तो एंड में हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो आप देख सकते हैं। और ये मेरे पेंटिंग्स गणेशा के हैं, वो मुझे काफी पसंद है, और होपफुली आपको भी बहुत पसंद आएंगे। द नेक्स्ट आर्टिस्ट इज मीनू शर्मा, और ये है चंडीगढ़ से, और इनका स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ऑयल पेंटिंग पोर्ट्रेट्स। हे एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा फ्रॉम चंडीगढ़। पेंटिंग इज माय पैशन। I love to work in all mediums. Nature and Indian culture are my all-time favorite topics. I am here with two of my works. First is Mahabodhisthupa. This is watercolor on paper. The real inspiration to paint this scene is the depth of these eyes and the colors of the sky, which I enjoyed there. The second one is a board of Shiva. This is oil on canvas, which I painted in the month of the Savan. Mount Kailash is considered to be sacred in four religions, and the beauty of snow-covered Kailash is something else. The next artist is from Patna, Rohini Manindra, and her style of painting is semi-realistic techniques. Hello everyone, I'm Rohini from Patna, Bihar. Namaste. I have done my MFA from Chandigarh University. I do paintings in all mediums and all subjects, but I mostly do acrylic painting, and in this show I am participating with two of my paintings, Pratihari and Kailasha. Pratihari is 24x28 and Kailasha is 30x44, and both are in acrylic medium. Apart from acrylic painting, I also do simorex carving, mural and sculpture also. अगली आर्टिस्ट है हैदराबाद की विद्या श्रीजा गोलेती, जिनका स्टाइल ऑफ पेंटिंग है ऑयल पेंटिंग पोर्ट्रेट्स। सो आई एम विद्या, आई एम हियर फ्रॉम हैदराबाद, एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, बाय पैशन आई एम अ स्टेट लेवल आर्टिस्ट। आई हैव डन माय मास्टर्स डिग्री फ्रॉम वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड एज आई सेड अब एन आर्टिस्ट, आई हैव बीन एग्जिबिटिंग पेंटिंग्स ऑल ओवर इंडिया एंड गॉट रिकॉग्नाइज्ड। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, आई एम passionate about teaching as well, so I have already trained students regarding painting, drawing, sketching and all. So whatever I do, I put 100% in it, so that things will always
शुक्रिया, धन्यवाद। और दोस्तों, आखिरी आर्टिस्ट जिनको आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं अपने इस शो आर्ट स्पेक्ट्रा के जरिए, वो है बैंगलोर के संध्या के सिरसी और इनका स्टाइल ऑफ पेंटिंग है कंटेम्प्रेरी आर्ट। I'm Sandhya Kesirsi.